हेलो दोस्तों, हम देख रहे हैं सिविल सर्वेंट इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम अपने नए वीडियो के साथ हैं। दोस्तों अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले, और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों आज के टॉपिक में हम कैड में 2D कैड में कंटूरिंग करेंगे। कैसे करेंगे ये देखने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो, और अगर आपने दोस्तों चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम कंट्रोल करने के लिए हमें CSV डेटा या कुछ फाइल के डेटा की जरूरत पड़ेगी, तो हमारे पास पहले से ही मौजूद है। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप उसको मैनेज करें और आते हैं CSV पे। ये हमारा CSV डेटा है, सबसे पहले इसे प्लॉट कर लेंगे। प्लॉट कैसे करना है उनका कुछ फैक्ट पता होगा, और अगर नहीं है चलिए एक बार प्लॉट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कॉनकैट को यूज करेंगे। आप दूसरे मेथड से भी आ सकते हैं, लिस्टिंग कॉमा प्लॉटिंग कॉमा आउट, इसको टेक्स्ट में कर लेंगे कन्वर्ट, और इसको कर लेंगे पूरे एंड तक ऑन कर देंगे। मल्टीपल पॉइंट्स, और मल्टीपल पॉइंट करने के बाद जो हमारा कमांड बार है इसे कर देंगे सारे पॉइंट्स को सेव। डेटा ज्यादा है इसलिए काम शुरू रहेगा सब करने के लिए। इसके बाद हमें इसे करना होगा सरफेस क्रिएट। सरफेस क्रिएट करने के लिए हम कैड टूल का यूज करेंगे। कैड टूल से रिलेटेड हमने वीडियो पहले ही बना रखा है दोस्तों, तो आप इस वीडियो को जरूर देखें। उस वीडियो का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, जरूर उस वीडियो को जरूर देखें। डाउनलोडिंग इंस्टॉलेशन और कॉन्फ़िगरेशन करना हम पिछले ही वीडियो में बता चुके हैं, इसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, आप वहां से इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर इसको ट्राइंगुलेशन करेंगे। जैसे कि डेटा आप देख रहे हैं जिसकी अपलोड हो चुका है, और अब इसको हम कंट्रोल करने के पहले ट्राइंगुलेशन करेंगे। ट्राइंगुलेशन करने के लिए हम यहाँ पर क्रिएट सरफेस पे क्लिक करेंगे। जैसे कि ये
एफिलिएट सर्विस ट्रांसलेशन का हम लोगों के लिए होगा, तो इसमें हम सबसे पहले इसको ट्रांसलेशन ट्रांसलेट करेंगे। इसके लिए हमें पॉइंट, जैसे कि हमारे पास यहाँ से पॉइंट्स हैं, तो हम पॉइंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं लेयर्स हैं, तो इसको हम लेयर को अलग से नया लेयर देंगे, जीरो भी लेयर बनने देंगे, जो कि जितने भी ट्रायंगल सम होंगे वो हमें जीरो लेयर देंगे, लेकिन इसको हमें बाद में ऑफ करना पड़ेगा, क्योंकि इस लेयर को हम नेक्स्ट कर देंगे डीएल डीजी को, या फिर आप अपने नए लेयर भी बना सकते हैं। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, जितने भी हमारे पॉइंट्स हैं वो उनको सेलेक्ट करेंगे, क्लिक करेंगे एंटर, और जैसे ही ये पूरा कर लेगा दोस्तों, यहाँ पे आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम एलिगेशन का जो वैल्यू आता है वो आपको शो कर देगा। दोस्तों देख रहे हैं ये डेटा सेट जो ऐड हो गया है और ये आपके पास वैल्यू भी होंगे दिखा दिया है, टोटल पॉइंट 2576.0 किया, जो डुप्लीकेट वैल्यू थी उसको ये डिलीट कर दिया और मैक्सिमम एलिगेशन जो है यहाँ पे 267 दिखा रहा है और मिनिमम 244 दिखा रहा है। सबसे पहले ये हो गया और उसके बाद फिर कुछ नहीं।